हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिफाइनिंग एन एरे। तो देखिए, एरे क्या होता है ये तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लिस्ट ऑफ और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेम नेचर ऑफ डाटा आइटम्स, ठीक है, दे आर कंबाइंड अंडर ए सिंगल नेम एंड दैट इज कॉल्ड एन एरे। आज हम लोग बात करते हैं कि एरे को कैसे डिफाइन करते हैं या उसको हमें सी प्रोग्राम में यूज़ करना है तो कैसे एक स्टैंडर्ड ढंग से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी राइट डिफाइनिंग एन एरे। आज का जो टॉपिक है वो हम लिखते हैं डिफाइनिंग एन एरे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एरेज आर डिफाइंड इन मच द सेम मैनर एज ऑर्डिनरी वेरिएबल एक्सेप्ट दैट ईच एरे नेम मस्ट बी अकॉम्पनीड बाई ए साइज स्पेसिफिकेशन। मतलब कि जैसे हम लोग ऑर्डिनरी वेरिएबल डिफाइन करते हैं वैसे ही हम एरे को भी डिफाइन करते हैं। अंतर ये होता है कि एरे के साथ आपको एक साइज़ के लिए भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी साइज स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ता है। तो अब जैसे मान लीजिए, अब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे, इस तरह पढ़ा था ना। तो आज अभी हम जैसे मान लीजिए अगर वन डायमेंशनल एरे है हमारे पास, तो वन डायमेंशनल एरे को जैसे हमने कहा वन डायमेंशनल एरे, इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसको हम डिफाइन करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टोरेज क्लास की। स्टोरेज क्लास क्या है एरे की। उसके बाद हम लिखेंगे उसके अंदर किस तरह के डेटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डेटा टाइप, ठीक है। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एरे का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जो भी हमको उसकी साइज देना है वो हम लिखेंगे। इस तरह से हम किसी भी एरे को डिफाइन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखिए, यहाँ पे स्टोरेज क्लास तो ये बताएगा कि इट रिफर्स द स्टोरेज क्लास ऑफ द एरे। डेटा टाइप आपको हो गया, एरे इज द एरे नेम एंड एक्सप्रेशन इज ए पॉजिटिव वैल्यूड इंटीजर एक्सप्रेशन विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ एरे एलिमेंट। मतलब कि ये जो आप डेफिनेशन आपने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है इसमें कौन सी चीज़ क्या बताएगी। तो देखिए, ये तो स्टोरेज क्लास बताएगा, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। डेटा टाइप मतलब एरे में जो डेटा है वो इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, क्या है, वो यहाँ हम डिफाइन कर देंगे। एरे, ये एरे का हम नाम दे देंगे कुछ भी, जो भी एक्सेप्टेड नेम्स है, ठीक है, जिसमें रूल्स का वायलेशन नहीं हो रहा है। वेरिएबल जो वेरिएबल नेम्स के जो रूल है वही यहाँ भी फॉलो करते हैं। और उसके बाद एक्सप्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एक हम पॉजिटिव वैल्यूड इंटीजर एक्सप्रेशन लिखते हैं। मतलब इंटीजर एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यूज इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है कि एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें क्या है, ये जो है स्टोरेज क्लॉज डिफाइन करना ये ऑप्शनल है, ये आप चाहे तो करिए और चाहे तो नहीं करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगा, इसको ऑटोमेटिक वेरिएबल ले लेगा, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इट विल टेक ऑटोमेटिक फॉर एरे, ठीक है, दैट आर डिफाइंड विद इन ए फंक्शन और ब्लॉक एंड एक्सटर्नल फॉर एरेज दैट आर डिफाइंड आउटसाइड ऑफ ए फंक्शन। तो अगर आप इसको नहीं डिफाइन करेंगे स्टोरेज क्लॉज को, तो अगर विद इन ए फंक्शन या ब्लॉक लेना है तो बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक ले लेगा, और अगर आउटसाइड द फंक्शन लेना है तो वो उसको फिर एक्सटर्न ले लेगा, ठीक है, वो अपने आप ही इस चीज को अडॉप्ट कर लेगा। तो इस तरह से दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डिफाइनिंग एन एरे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल भी आपको लेके बता देते हैं कि जैसे हमने कहा कि सपोज कीजिए मान लीजिए हमने फॉर एग्जाम्पल में हमने यहाँ डिफाइन किया इंटीजर एक्स और यहाँ हमने लिख दिया 100। तो ये एक वन डायमेंशनल एरे हो गई जिसमें जो डाटा टाइप्स हैं वो इंटीजर टाइप के डाटा हैं, एरे का नाम एक्स है और एरे में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स 100 है, मतलब 0 से लेकर 99 तक।
दूसरे हम डिफाइन दे, मान लीजिए हमने कहा करेक्टर, यहाँ हमने लिखा टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ हमने साइज डिफाइन कर दिया 80। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है जिसके अंदर कैरेक्टर टाइप डेटा स्टोर है, और इसकी लेंथ नाम क्या है, टेक्स्ट है, और इसकी लेंथ क्या है, 80 कैरेक्टर्स है इसमें। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको स्टोरेज क्लास डिफाइन करना है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, स्टैटिक करेक्टर, आपने लिख दिया मैसेज और 25 इस तरह, या आपने लिखा स्टैटिक फ्लोट n12। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जितनी भी सिंगल डायमेंशनल एरे है वो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ये कन्वीनियंट रहता है, इट इज समटाइम्स कन्वीनियंट टू डिफाइन एन एरे साइज इन टर्म्स ऑफ ए सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट रादर देन ए फिक्स इंटीजर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब यहाँ 100, 80, 25, 12, इसकी जगह पे हम एक सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट यूज करते हैं, उसको भी अभी आपको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। दिस मेक्स इट इजियर टू मॉडिफाई ए प्रोग्राम दैट यूटिलाइजेज एन एरे सिंस ऑल रेफरेंसेस टू द मैक्सिमम एरे साइज कैन बी अल्टर्ड सिंपली बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ सिम्बोलिक कॉन्स्टेंट। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इस एरे को आप देखिए क्या कहना चाह रहा है, हमने कहा इंटीजर एक्स 100 कर दिया, ठीक, इसकी अब क्या होगा, ये इस एरे में 100 एलिमेंट होंगे। अब हमने कहा यही एरे मान लीजिए 50 के लिए यूज हो जाए, यही एरे 80 के लिए यूज हो जाए, मतलब ये जो फिक्स है इसकी बजाय हम वेरी करा सके, तो क्या होगा, इसको हम इस तरह डिफाइन कर देंगे, हमने कहा इंटीजर एक्स, यहाँ हमने लिख दिया, हमने कोई वैल्यू नहीं लिखी, यहाँ हमने लिखा साइज ऐसे, ठीक, और साइज को हमने प्रोग्राम में नीचे डिफाइन कीवर्ड की मदद से हमने लिख दिया डिफाइन साइज और हमने लिख दिया 50, तो क्या होगा, ये एरे में 50 एलिमेंट हो जाएंगे। हमने अगर इसको चेंज करके यहाँ लिख दिया 80, तो क्या होगा, ये 80 एलिमेंट्स के एरे की तरह काम करेगा। हमने इसको चेंज करके मान लीजिए कर दिया 500, तो ये 500 एलिमेंट्स की एरे हो जाएगी। तो फायदा क्या होगा कि हम एक जगह चेंज करेंगे और पूरे प्रोग्राम में हमें जगह जगह चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से भी आप एरे के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज कीजिए से हमने कहा कि राइट एक सी प्रोग्राम दैट रीड्स इन ए वन डायमेंशनल कैरेक्टर एरे कन्वर्ट्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स टू अपर केस एंड देन डिस्प्लेस द कन्वर्टेड एरे। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट ए सी प्रोग्राम दैट रीड्स इन ए वन डायमेंशनल करेक्टर टाइप एरे, वन डायमेंशनल करेक्टर एरे, ठीक है, कन्वर्ट्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स टू अपर केस, ठीक है, एंड देन डिस्प्ले, एंड देन डिस्प्ले द कन्वर्टेड एरे। ठीक, कोई एरे है उसमें स्मॉल केस वाले लेटर स्टोर हैं, हमें उनको अपर केस में कन्वर्ट करना है और डिस्प्ले करना है, ये इस चीज का हमको सी प्रोग्राम बनाना है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने सबसे पहले कमेंट लाइन लिखा, हमने कहा रीड इन ए लाइन ऑफ लोअर केस टेक्स्ट, हमने लिखा रीड इन ए लाइन ऑफ
लोअर केस टेक्स्ट टू अपर केस। ठीक, अब हमने प्रोग्राम शुरू किया तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, नेक्स्ट हमने लिखा इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, यहां हमने डिफाइन किया डिफाइन साइज, और साइज हमने ले लिया यहां पे 80। ठीक, अब क्या हुआ, अब हमने यहां लिखा मेन, ये मेन की बॉडी शुरू हुई, यहां पे हमने पहले एरे डिफाइन की करेक्टर, एरे का नाम रखा लेटर, और इसका जो साइज है वो हमने लिख दिया साइज, तो ऊपर साइज हमने 80 डिफाइन किया, मतलब 80 करेक्टर्स की एरे हो गई। एक और वेरिएबल लिया इंटीजर काउंट, अब हमने कहा कि लाइन को रीड, तो हमने कहा रीड इन द लाइन। ठीक है, अब कहां से कहां तक, तो हमने कहा फॉर काउंट इक्वल टू जीरो, सी ओ यू एन टी, काउंट इक्वल टू जीरो से लेकर और कहां तक चलेगा, लेस देन साइज तक, लेस देन साइज मतलब जैसे 80 है तो 0 से 79 तक चलेगा, सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। ठीक, ये हो गया, और प्लस प्लस काउंट, और हमें करना क्या है, इसमें जो लेटर उठाएंगे हम, जो भी एरे से हम कैरेक्टर उठाएंगे उसको क्या करना, गेट कैरेक्टर, कीबोर्ड से जो हमने गेट कैरेक्टर मतलब कीबोर्ड से हमने जो लेटर एंटर किया वो स्टोर हो जाएगा लेटर काउंट पे, यानी लेटर पहले जीरो पे फिर वन पे फिर टू पे, इस तरह एरे हमारी स्टोर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले द लाइन इन अपर केस, अब हमें ये करना है डिस्प्ले द लाइन इन अपर केस, यानी लाइन को हमें अपर केस में डिस्प्ले करना है, जो लाइन अभी हमने स्टोर की है उसको अपर केस में जब डिस्प्ले करना है, तो फिर से हम क्या करेंगे, दोबारा से लूप चलाएंगे फॉर काउंट इज इक्वल टू जीरो से लेकर काउंट इज लेस देन साइज तक, और प्लस प्लस काउंट। ठीक है, और क्या करेंगे, पुट करेक्टर हम यूज करेंगे, कीवर्ड पुट करेक्टर टू अपर, यहां पे हमने यूज किया टू अपर फंक्शन। ठीक है, और किसके लिए यूज करेंगे, लेटर काउंट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मेन की बॉडी बंद हो जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए इस प्रोग्राम में आप जो समझने वाली चीज़ है पहले उसको देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, हमने यहाँ पे ये डिफाइन साइज 80 किया हुआ है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसको हम मार्क करते हैं, मान लीजिए इससे, तो देखिए इस लाइन में क्या है, हमने डिफाइन साइज 80 किया हुआ है, इससे मतलब क्या हुआ कि द सिंबोलिक कांस्टेंट साइज इज असाइंड ए वैल्यू ऑफ 80, दिस सिंबोलिक कांस्टेंट रादर देन इट्स वैल्यू अपीयर्स इन द एरे डेफिनेशन एंड इन द टू फॉर स्टेटमेंट्स। तो देखिए एरे डेफिनेशन में यूज हुआ है ये, और फॉर स्टेटमेंट में, यहाँ पे और एक अगले वाले फॉर में और एक यहाँ पे दो, और एक इस वाले फॉर में यूज हुआ है साइज जो है 3, ए
यहाँ पे देखिए ये, इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको प्रोग्राम को, जैसे मान लीजिए तो आपने 80 कैरेक्टर्स के लिए बनाया है, अगर मान लीजिए आपको प्रोग्राम को आपने कहा नहीं 80 नहीं हमको 150 कैरेक्टर के लिए करना है, तो पूरे प्रोग्राम में केवल आपको एक लाइन में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे इस डेफिनेशन में, बस यहाँ पे आपको 80 की जगह 100 कर दीजिए, 250 के जो भी करना हो एक जगह आप चेंज करेंगे और सारा प्रोग्राम अकॉर्डिंगली काम करेगा। ठीक, तो यानी डिफरेंट साइज की एरे के लिए आप यहाँ पे केवल साइज डिफरेंट कर दीजिए, बाकी प्रोग्राम वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी फायदा तो इसका ये है कि ओनली वन चेंज एकोमोडेट्स ऑल ऑफ द नेसेसरी प्रोग्राम अल्टरेशन एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट सम रिक्वायर्ड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया आपका कि एरे को कैसे डिफाइन करते हैं और उसके साइज को, अलग अलग साइज की एरे है तो उसको कैसे हम एक जगह डिफाइन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ये तो हो गया आपका एरे डेफिनेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑटोमेटिक एरे होती हैं उनको आप इनिशलाइज नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आज ये डेफिनेशन ऑफ एरे आपको क्लियर हो गया होगा, इसका प्रोग्राम बना के भी हमने आपको समझा दिया। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।